आज हम बात करेंगे कि क्या होता अगर जाइगोर और राइगोर का मुकाबला हो, तो आखिर जाइगोर और राइगोर में से कौन जीतेगा। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वॉटिव सीरीज़ में। आज की हम वॉटिव सीरीज़ में कंपेयर करने वाले हैं जाइगोर वर्सेस राइगोर को, आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। जिन लोगों को नहीं पता कि जाइगोर और राइगोर कौन है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जाइगोर और कोई नहीं गोकू का तीसरा बेटा है। बट ये गोकू और चीची का तीसरा बेटा नहीं, बल्कि गोकू और वेस्टर्न सुप्रीम काय का बेटा है। यानी कि मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जाइगोर हाफ ब्लडेड काय के साथ साथ हाफ ब्लडेड सेन भी है। और अगर हम राइगोर की बात करें, तो राइगोर वेजिटा का ट्विन ब्रदर है और ये दोनों कैरेक्टर्स ही नॉन कैनन हैं। जाइगोर का बेस फॉर्म ही सुपर सेन 5 जितना स्ट्रॉन्ग है, यानी उसके पास कोई और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जैसे सुपर सेन 1, 2, उसका बेस फॉर्म ही सुपर सेन 5 जितना स्ट्रॉन्ग है। और वहीं अगर हम राइगोर की बात करें, तो राइगोर का बेस फॉर्म ही सुपर सेन 4 है और उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन ही सुपर सेन 5 है, जहाँ पे राइगोर बेस फॉर्म में कुछ ऐसा और सुपर सेन 5 में कुछ ऐसा दिखता है। तो आज हम इसी को कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा लाइक एम है 50 लाइक्स का। अगर आप सच्चे ड्रैगन फॉल फैन होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। 50 लाइक्स का टारगेट है, इसे पूरा कर देना और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि जाइगोर एक ऐसा सेन है जो कि हाफ ब्लडेड काय भी है और हाफ ब्लडेड सेन भी है, यानी कि वो कायस की भी शक्ति को यूज़ कर सकता है। और उसी के साथ साथ हम बात करें राइगोर की, तो राइगोर एक ट्रू सुपर सेन है और इसी के साथ साथ वो एक लेजेंडरी सुपर सेन भी है, यानी कि एक क्रूर सेन। तो अगर इन दोनों का मुकाबला होगा तो राइगोर से हार जाएगा, क्योंकि राइगोर का बेस फॉर्म सुपर सेन 4 और जाइगोर का सुपर सेन 5 है। बट अगर वो वही सुपर सेन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो राइगोर को अच्छी टक्कर दे सकता है। बट अगर हम मांगा की माने, तो मांगा में ये माना गया है कि राइगोर से हार जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक सुपर सेन 5 को होल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब कोई किसी में फॉर्म में आता है तो वो ज़्यादा देर तक उस फॉर्म में नहीं रह सकता, वैसे ही राइगोर है। और अगर हम बात करें जाइगोर की, तो उसका तो कोई फॉर्म ही नहीं है, उसका बेस फॉर्म ही सुपर सेन 5 है और वो ट्रांसफॉर्म करने की जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जाइगोर को ये अच्छा मौका मिल जाएगा राइगोर को मारने के लिए, तो राइगोर को आराम से मार देगा। बट तब तक राइगोर को टक्कर दे सकता है जब तक राइगोर सुपर सेन 5 के अंदर है। जैसे ही वो सुपर सेन 5 से निकल जाएगा, जाइगोर मौका मिलते ही उसे ख़त्म कर देगा। तो हम अगर बात करें जाइगोर और राइगोर में से कौन जीतेगा, तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि जाइगोर ही जीतेगा और राइगोर हार जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 50 लाइक्स का टारगेट आई होप आपने कंप्लीट करा दिया होगा और मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से गाइस मुझे डिमोटिवेशन फील होता है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो। तो गाइस, कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि अगली वॉटिव सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।